अपने दामाद के बारे में शाहिद आफरीदी ने क्या बताया, जानिए इस वीडियो में। शाहिद आफरीदी ने शाहीन आफरीदी को अपना दामाद क्यों मुंतखब किया। शाहिद आफरीदी ने बता दिया। शाहिद आफरीदी ने हाल ही में एक निजी चैनल के पॉडकास्ट में शिरकत की, जहां उन्होंने शाहीन आफरीदी को दामाद के तौर पर मुंतखब करने की वजह बताई। पॉडकास्ट के दौरान शाहिद आफरीदी ने इंकशाफ किया कि उन्हें बॉलीवुड और पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री से फिल्मों की ऑफर हो चुकी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से काम वो करना चाहिए जिसमें आप माहिर हों। मेरी पहचान क्रिकेट थी, फिल्मों की तरफ मेरा या मेरी फैमिली का रुझान नहीं था। इश्तहारात की हद तक ठीक था, लेकिन फिल्मों के बारे में कभी नहीं सोचा था। शाहीन आफरीदी को दामाद के तौर पर मुंतखब करने के सवाल पर शाहिद आफरीदी ने जवाब दिया कि शाहीन आफरीदी की फैमिली काफी अरसे से मेरी फैमिली से राबते में थी। शाहीन क्रिकेटर जैसा भी हो, लेकिन वो बहुत अच्छा इंसान है। मैं उन्हें जाती तौर पर नहीं जानता था, लेकिन हमारी फैमिली के बुजुर्ग एक दूसरे को जानते थे। उन्होंने बताया कि जो भी शाहीन के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा था, उन्होंने उनके रवैये की तारीफ की और उसे एक इंसान के तौर पर सराहते हुए कहा कि वो बहुत समझदार हैं। इसलिए मेरे लिए वो तमाम चीजें अहम थीं कि इंसान इंसान होता है। याद रहे कि शाहिद आफरीदी की बेटी इंशा आफरीदी का निकाह शाहीन आफरीदी से फरवरी 2023 में हुआ था। उसके कुछ माह बाद शादी की तकरीब मुनक़िद हुई थी। शादी की तकरीबात को महदूद और सादा रखा गया, जिसमें दोनों खानदानों के करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों ने भी शिरकत की। मजीद खबरों, तबसरों और तज्जियों के लिए देखते रहिए SNN News।